हेलो एवरीवन। तो आज सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Fe(H2O) होल 5 NO(SO4)। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम आप याद रखें, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक कॉमन नेम है और याद रखें आप कॉमन नेम भी। यहाँ पे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, H2O होल 5 है, और यहाँ पे NO पे चार्ज +1 होता है, राइट। और यहाँ पे SO4 पे 2- हो जाएगा। तो पहला चीज़ आप याद रखें, यहाँ पे आयरन +1 में होता है और NO यहाँ पे +1 में है, NO न्यूट्रल नहीं है। कैसे डिसाइड किया है, तो फिर से ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब ये कैसे डिसाइड किया कि NO +1 में है, तो ये डिसाइडेड बाई सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट। सॉलिड स्टेट में अपन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट से हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, वहाँ से डिसाइड करते हैं कि NO +1 है या फिर NO न्यूट्रल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO +1 होता है, आयरन पे +1 चार्ज होता है। अब आयरन +1 है, Fe +1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d6 एंड 4s1। क्लियर है? ये तो देखिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको। अगर देखें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करते हैं, कुछ ऐसे ही करेंगे। और डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंस वाटर 5 वाटर है और 5 वीक फिल्ड लिगेंड है, तो हम ट्रीट करेंगे कि यहाँ पे वीक फिल्ड लिगेंड है। और 3d6 हो गया, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4p बगल में वैकेंट होगा, और 4d बगल में यहाँ भी वैकेंट होगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आइदर d2sp3 हो सकता है या फिर sp3d2 हो सकता है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे s में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ होता है, थोड़ा ध्यान रखें आप, 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3d में। सिंस 4s हाई एनर्जी लेवल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है लो एनर्जी लेवल में। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। क्लियर है? ये ऑक्टाहेड्रल होगा और ऑक्टाहेड्रल होने के साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट √15 बोर मैग्नेटॉन होगा। क्लियर है? तो ये पहला एग्जांपल आप थोड़ा, ये जो आप मैं प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ ये थोड़ा आप ध्यान रखें। सेकेंड कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज Na2FeCN(5NO)। इसे बोलते हैं, इसका भी कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं इसे। अब यहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि Na2FeCN(5NO) लिखोगे तो यहाँ पे NO +1 में होता है, CN पे -1, तो 5 CN है तो -5 हो जाएगा, 2Na पे +2। अब देखिए यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में होगा, मीन्स यहाँ पे आयरन +2 में है, Fe2+ है, तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d6 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 और ऊपर 2, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कर लिया, 5 CNF, CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो अपन ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल करेंगे और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका D2SP3। क्लियर है, ये डायमैग्नेटिक होगा, 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। नेक्स्ट अगर अपन देखा जाए थर्ड एग्जांपल, अगर मैं NIDMG होल ट्वाइस ले लूं या फिर नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल NIGLY होल ट्वाइस, राइट, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ही में कॉमन चीज है, दोनों में एग्जांपल में ही Ni2+ में है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे DMG या ग्लाइसिनेट में चेलेशन होगा, तो चेलेशन से आपको पता है स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा मतलब CFAC ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पे हाई क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। तो अब बताइए स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा या फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, किसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है? स्क्वायर प्लेनर में, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हो जाएगा और ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर और ये DSP2 हो जाएगा। क्लियर, आप फाइंड कर सकते हैं ये डायमैग्नेटिक आएगा। 3D8 आप फुल करना DSP2 में, आप देखना ये डायमैग्नेटिक आएगा। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ एग्जांपल, अगर आप देखेंगे कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस 3-, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है, लेकिन इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट 3+ में 3D6 है और यहाँ पे ऑक्सिलेट चेलेशन करेगा। तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे ड्यू टू चेलेशन, ये याद रखें इस केस में ड्यू टू चेलेशन हाई स्प्लिटिंग होगा। तो अगर हाई स्प्लिटिंग होगा तो आप D6 को कैसे फिल करने वाले हो, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेंगे यार, क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू चेलेशन यहाँ पे हाई स्प्लिटिंग है, तो डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन खुद से सोचें क्या हो जाएगा, D2SP3, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, डायमैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए तो 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, राइट, और लो स्पिन या हाई स्पिन, तो सिंस यहाँ पे डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है इसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो फिफ्थ के बाद चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स करते हैं। सिक्स में क्रोमियम GLY ग्लाइसिनेट होल थ्राइस, यहाँ भी आप देखेंगे तो क्रोमियम पे 3+ है, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3 होगा। आप हाइब्रिडाइजेशन खुद से बता सकते हो यार, D3 में ऑलवेज क्या होता है, D2SP3 होता है, इनर ऑर्बिटल मतलब बिना देखे आप बोल सकते हो D3 है, सोचना ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक होगा, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे कैसे, डी में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √15 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। सेवेंथ एग्जांपल देखिए थोड़ा सा, NiF6 2-, यहाँ पे आप देखेंगे कि Ni पे चार्ज +4 है, मीन्स ये 3D6 है। और मैंने आपको स्टामक इसलिए किया, एक लाइन मैंने बताया था आपको कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड हो तो कभी भी +4 में मेटल हो वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है। याद है आपको मैंने लिखाया था कि ड्यू टू, कल के लेक्चर में शायद बताया होगा मैंने, कल या फिर इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, ड्यू टू हाई चार्ज यहाँ पे क्या होगा, लार्ज स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा ड्यू टू हाई चार्ज। अब D6 में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आपको पता है हाई चार्ज है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, D6 में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेंगे, राइट, S बगल में P, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2SP3, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड सिंस लार्ज स्प्लिटिंग है इसलिए इसे अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आई होप क्लियर है इतना। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट एग्जांपल आता है 8th वन। चलिए 8th एग्जांपल में यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, MnO4- CrO4-2-, फिर Cr2O7-2-, Cr2O2Cl2, फिर MnO4-2- और वैनेडियम टेट्राऑक्साइड BO4-3-. इन सारे मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, यहाँ पे आप देखोगे सबका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, मैंगनीज फर्स्ट में +7 में है, क्रोमियम +6 में है, थर्ड में भी क्रोमियम +6 में है, फोर्थ में भी क्रोमियम +6 में है, फिफ्थ एग्जांपल में मैंगनीज +6 में है, और लास्ट वाले में मैंगनीज प्लस वैनेडियम +5 में है। क्लियर है? मगर आप देखेंगे मैंगनीज +7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये 3D0 हो जाएगा, मैंगनीज +6 का इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D1 होगा, क्रोमियम +6 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये 3D0 होगा, और वैनेडियम +5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे ये भी 3D0 होगा। क्लियर है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 सेंट्रल एटम 4 सराउंडिंग एटम से अटैच्ड है, 4 लिगेंड से अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 सराउंडिंग एटम से अटैच है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल टाइप होता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल नीचे 3 ऑर्बिटल ऊपर। और आपको पता है, चलो अगर मैं सिर्फ एक का बता देता हूँ, MnO4- में मैंगनीज +7 में, +7 मतलब D0 है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बगल में 3D है, बगल में 4S है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक, D3S हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, और जैसे MnO4- है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है? और यहाँ पे होता क्या है, ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं, MnO4- जैसे देखोगे तो ये पिंक और पर्पल कलर्ड होता है, MnO4- पिंक और पर्पल कलर। ये कलर क्यों आता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है। मतलब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, MnO4- में मैंगनीज है, +7 में बगल में ऑक्सीजन 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 होंगे 4, राइट, ये ऐसे होंगे। तो होता ये है कि ये चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ऑक्सीजन या क्या करेगा, सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं। तो चार्ज ट्रांसफ़र के कारण यहाँ पे कलर आता है, इसको बोलते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। यहाँ पे लिगेंड क्या करते हैं, मेटल को चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए यहाँ पे कलर आता है। तो CTLM बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो ये सारे एग्जांपल, मतलब इन सबका ही हाइब्रिडाइजेशन D3S बोल सकते हैं अपन, राइट। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान रखें, ये एग्जांपल 8। चलिए अपन अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर दिया है तो उसकी करिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये लिस्ट थोड़ा ध्यान रखें, जस्ट एक दो बार पढ़ लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फिर से मेडिकल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई मेटल है अगर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। चलिए पहले मैं पहला लिस्ट दे रहा हूँ, अगर कोई मोनोवेलेंट कैटायन है
तो मोनोवैलेंट केटायन के केस में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कॉपर प्लस है, एजी प्लस है या एयू प्लस है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, सीयू प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 2 या 4 होता है, एजी प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 होता है, एयू प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या फिर 4 होता है। सिमिलरली अगर डाईवैलेंट हो, सेकेंड आते हैं डाईवैलेंट, अगर डाईवैलेंट मेटल के डायन है फिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जैसे मैं कुछ डाईवैलेंट के डायन का लिस्ट दे देता हूँ, आपके पास है वैनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, फिर आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, फिर निकेल 2+ के बाद कॉपर 2+, जिंक 2+, फिर कैडमियम 2+, Hg 2+, प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+ और Sn 2+। अब इतना याद रख सकते हैं, तो वैनेडियम 2+ या फिर ये जितने भी 2+ हैं, तो ये यूजुअली वैनेडियम 2+ है 4 या फिर 6 शो कर सकते हैं, क्रोमियम 2+ भी इधर 4 या फिर 6 शो कर सकते हैं, Mn 2+ भी 4 या 6 शो करता है 4 या 6, Iron 2+ भी, फिर Cobalt 2+ भी 4 या 6, Nickel 2+ भी 4 या 6, Copper 2+ भी 4 या फिर 6 शो करता है, Zinc 2+ याद रखें ये सिर्फ 4 शो करता है, Cadmium 2+ 4 या फिर 6 दोनों ही शो करता है, Hg 2+ ये Hg 2+ 2 या फिर 4 शो करता है, Platinum 2+ 4 शो करता है, Palladium 2+ 4 शो करता है, Sn 2+ 4 या फिर 6 शो कर सकता है। इनमें से इंपॉर्टेंट है आप Zinc 2+ याद रखें, Platinum 2+ याद रखें और Palladium 2+ याद रखें, ये 3 तो आपको याद रखना ही है किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर ट्राईवैलेंट एटम है या फिर ट्राईवैलेंट केटायन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ट्राईवैलेंट में जैसे मान लीजिए Scandium 3+ है, Titanium 3+ है और Chromium 3+, Manganese 3+, Iron 3+ और Cobalt 3+, Aluminium 3+, Iridium 3+, Rhodium 3+ एंड Osmium 3+ है, तो ये जनरली 3+ में सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं। ठीक, तो इसमें से आप एटलीस्ट Scandium 3+, Titanium 3+, Chromium 3+, मैंगनीज एंड आयरन Cobalt, ये थोड़ा ध्यान रखें कि अगर Chromium 3+ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, याद रखें। फिर बात कर लेते हैं टेट्रावैलेंट, अगर टेट्रावैलेंट है कोई, मतलब अगर +4 चार्ज है इस केस में, टेट्रावैलेंट केस में जैसे मान लीजिए Platinum 4+ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद रखें ये इम्पॉर्टेंट है। Palladium 4+ है, Palladium पे कभी भी +4 चार्ज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 होगा। Molybdenum पे अगर 4+ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या फिर 8 हो सकता है। Sn पे 4+ है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसमें से ये दो आप याद रखें, Platinum 4+ एंड Palladium 4+, राइट। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक चीज़ याद रखो कि जनरली क्रोमियम
इन सब, ये सब जनरली प्लस थ्री में अगर हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, राइट? इसलिए क्वेश्चन है के फोर एफ ई सी एन होल फाइव ओ टू, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आयरन प्लस टू में है, ठीक? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब देखिए सबसे पहली बात कि के फोर है तो प्लस फोर चार्ज आ गया, पोटेशियम पे प्लस फोर, आयरन पे प्लस टू, माइनस फाइव, ओ टू पे कितना होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ओ टू पहली बात तो माइनस वन में है, मीन्स ये सुपर ऑक्साइड है, क्लियर है? ये सुपर ऑक्साइड है। देखो ओ टू के बारे में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ओ टू लिखा है तो देखो यार ओ टू थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ओ पे टू माइनस, ओ टू पे माइनस, या फिर ओ टू पे टू माइनस, थ्री ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखो ये ओ टू पे माइनस वन है, मीन्स ये सुपर ऑक्साइड है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे यार आयरन पे प्लस टू चार्ज है, तो आयरन पे टू प्लस का मतलब है कि थ्री डी सिक्स हो गया, राइट? थ्री डी सिक्स मतलब आपको पता है सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कर लें, सिक्स मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगा, नीचे ही रहेंगे सब, और हाइब्रिडाइजेशन विल बी डी टू एस पी थ्री इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी पैरा मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, आपका आंसर आएगा डायमैग्नेटिक, लेकिन अफसोस ये है पैरा मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा रूट थ्री बोर मैग्नेटॉन। मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक क्यों है? ड्यू टू ओ टू पे माइनस, यानी पूरे कंपाउंड को बताना है पैरा मैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे क्या लिगेंड पैरा मैग्नेटिक है, तो कंपाउंड पैरा मैग्नेटिक होगा, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्वेश्चन है क्रोमियम NH3 होल ट्वाइस O2 NO2 H2O होल ट्वाइस पे प्लस वन। आप बता रहे O2 मीन्स क्या होगा, ये ऑक्साइड है या यहाँ पे आपको ये जो O2 दिख रहा है ये ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या फिर पेरोक्साइड है, आपको ये बताना है। डाउट समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम का अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, तो ये O2 एक लिगेंड होना चाहिए, O2 एक कंप्लीट वन लिगेंड होना चाहिए। अब O2 पे चार्ज कितना होगा कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री होगा, तो क्रोमियम प्लस थ्री है, अमोनिया पे चार्ज जीरो, O2 पे मान लो कि X चार्ज है, NO2 पे माइनस वन और वाटर पे जीरो है। अब बोलो क्या होगा? तो इनका सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होना चाहिए, तो थ्री प्लस एक्स माइनस वन शुड बी इक्वल टू प्लस वन। यहाँ से X इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस वन। इसका मतलब ये O2 किसके फॉर्म में है? O2 माइनस वन के फॉर्म में है, मीन्स ये सुपर ऑक्साइड है यहाँ पर, क्लियर है? तो चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज आपके पास दे रखे हैं कोबाल्ट O2 O2 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस फिर टू माइनस है। अब सोचिए यहाँ पे आपको फिर से बताना है नेचर ऑफ ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे दो O2 दिख रहे हैं, एक ये भी है और ये भी है, तो इनमें से कौन सा सुपर ऑक्साइड है कौन सा पेरोक्साइड है आपको ये बताना है, ठीक?
अब चलिए यहाँ पे कैसे सोचेंगे, पहले तो ये देखो 3 अमोनिया है, 1 O2 है और यहाँ पे 2 O2, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोबाल्ट पे चार्ज +3 होना चाहिए, क्लियर है? कोबाल्ट पे चार्ज +3 है और सोचो इनमें से मुझे पता है कि एक O2 पे -1 होगा, एक O2 पे -2 होगा, ये ऑप्शन है, क्लियर है ना? एक आइदर ये सुपर ऑक्साइड हो सकता है या फिर पेरोक्साइड हो सकता है, आइदर O2 पे -1 चार्ज होगा या फिर O2 पे -2 चार्ज होगा, दो ही ऑप्शन है। अब कैसे सोचेंगे, अब इनमें से यार एक पे -1 एक पे -2, अब कौन किस पे -1 है किस पे -2 है, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि मान लेते हैं इन पे टोटल चार्ज, दोनों पे टोटल चार्ज लेते से एक्स है मिला के, तो अब देखिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, +3 + x शुड बी इक्वल टू -2 बिकॉज अमोनिया पे चार्ज 0 है, तो एक्स का वैल्यू -5 आ गया, मीन्स टोटल चार्ज -5 है। देखिए आपके पास -1 है -2 है, आपके पास टोटल चार्ज -5 रखना है, क्या क्या ऑप्शन है? अगर मैं फर्स्ट, अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, राइट, अगर मैं ए पे -1 मान लूँ और बी पे -2 मान लूँ, तो टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है, ए पे -1 टू बी पे -4 -5 चार्ज आ रहा है, लेकिन अगर मैं ए पे -2 मान लूँ, ए पे -2 मान लूँ और बी पे -1 मान लूँ, तो ए तो एक ही है -2 चार्ज आएगा, बी दो है मीन्स -2 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज -4 आ रहा है, मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए वाला ये O2 -1 है, बी वाला O2 2 माइनस है, मीन्स एक ये सुपर ऑक्साइड है और दूसरा पेरोक्साइड है, तो इतना क्लियर है क्या, या फिर किसी को इसमें डाउट है? जो फिर बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि +3 चार्ज है मेटल पे, +3 चार्ज है, फिर मैं बस चार्ज को रीअरेंज कर रहा हूँ, राइट?